जब माता सीता की विदाई हुई थी तो जनक जी की क्या स्थिति हुई थी। जैसे ही चारों कन्याओं का विवाह हुआ, विवाह होने के बाद तो महाराज जब चारों कन्याओं का विवाह हो गया, माता सीता को विदा करने की बारी आई। 6 महीने तक बारात रुकी, फिर जनक जी से जब सुमंत जी ने, मंत्री जी ने, सभी ने कहा कि महाराज अब विदा की पूरी तैयारी हो गई है, अब आप विदा करिए। तो मन में कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं है, बड़े खुश होकर आते हैं। रनिवास में माँ जानकी के लिए माँ सुनेना नारी धर्म की शिक्षा दे रही कि बेटी ऐसा व्यवहार मत करना कि हमें नीचे देखना पड़े। गुरुओं की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, पति का रुख देख के व्यवहार करना, ये शिक्षा दे ही रही थी कि सामने से जनक जी आते हैं और जैसे ही मां जानकी को 16 श्रृंगार में सुसज्जित देखते हैं, दहली पकड़ के रोने लगते हैं महाराज। और ऐसे रोते हुए कह रहे हैं कि अब मैं अपनी सीता को कैसे भेज दूं, अब कल से मुझे कौन बाबा बाबा कह के बुलाएगा। और मां जानकी जैसी बेटी हो तो कौन से माता पिता ये चाहेंगे कि अब इसे भेज दे। तो जनक जी को तो छोड़ दो। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं जनक जी की व्यथा का वर्णन, जनक जी के दुख का वर्णन मैं नहीं कर पाऊंगा। माता सीता ने तोता तोती पाल रखे थे, सुख और सारिका नाम के तोता तोती पाले हैं। तो वो सोने के पिंजरों में बंद थे, सोने के पिंजरों में वो तोता तोती रो रो के कह रहे हैं कि आज सियाजू की विदाई है, जानकी जी की विदाई है, हमें सोने के पिंजरों में नहीं रहना है, हमें उनके साथ भेजो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सुख सारी का जाने की जाए, सुख सारी का जाने की जाए, कनक पिंजरन राखी पढ़ाए, व्याकुल कहाँ कहीं बेदे ही, सुनी धीरज परिहरियन के ही, भरे बिकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा के से कही जाती, बंधु समेत जनक जब आए, प्रेम उमंग लोचन जल छाए, लीन है राय और लाए जान की, मिटी महामर जाद ज्ञान की। उस सुकुर सारी का नाम के तोता तोती रो रहे हैं, हमें सोने के पिंजरों में नहीं रहना है, हमें छोड़ दे। और जनक जी ऐसे रो रहे हैं मानो एक छोटा बच्चा खिलौने के लिए जैसे रोता है कि हमारा खिलौना वापस कर दो, वैसे जनक जी माँ सीता के लिए रो रहे हैं। उस समय माँ थोड़ी कठोर बन जाती है, विदा के समय माँ बाद में रो लेगी, पहले रो लेगी, लेकिन जब विदा हो रही होगी तब माँ थोड़ा कम रोगी, पिता कुछ ज्यादा रोते, क्योंकि उस समय वो अपना धीरज खो देते कि अब कैसे भेजे। महाराज जब इतना दुख होता है उनके माता पिता को भेजने से पहले, तो जब आपके घर में आते हैं तो बेटों को बेटियों से कम ना आके, इसीलिए इतनी बातें कही, इसीलिए प्रसंग इतनी देर तक बताया है, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा यही चल रहा है, बाहर नहीं जाने देते, पढ़ाते लिखाते नहीं है। तुमको पढ़ाए लिखाए, एक दूसरे में सामंजस्य बना के रखे तो ही रिश्ते आगे बढ़ेंगे।